क्या आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो और आप प्रॉपर्टी खरीदने में बेचने का काम करते हो, तो क्या आप जीएसटी के दायरे में आओगे कि नहीं आओगे? तो गाइज ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टवुड फिनटेक पर। जी दोस्तों, मुझसे जनरली ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि सर हम लोग सेल परचेज करते हैं प्रॉपर्टी का, सर हम प्रॉपर्टी खरीदते हुए बेचते हैं, हम खाली प्लॉट्स को खरीदते बेचते हैं, हमने कोई भी जमीन खरीद ली उस जमीन को हम खरीद रहे हुए बेच रहे हैं, या साथ ही हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर रहे हैं, या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उनको सेल परचेज कर रहे हैं, तो क्या सर हमें भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? क्या हमें उसके ऊपर जीएसटी जो लॉ है हमारा वो एप्लीकेबल होगा, या हमें जीएसटी उसके ऊपर भरना पड़ेगा? तो गाइस मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हैं, आपने वो खरीद लिया और उसको आप बेच रहे हैं, और उसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आप उसको इश्यू हो चुका है बायर को, तो उस केस के अंदर देखा जाए तो यहां पे आपको जीएसटी लॉ यहां पे उसको एग्जेम्प्ट करता है, यानी कि जीएसटी लॉ के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी आपको नहीं देना है, क्योंकि वो हमारा शेड्यूल 3 जो जीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017 के शेड्यूल 3 में उसको रखा गया है, जहां पे बिल्डिंग को क्या बोला गया है, बिल्डिंग को एक एक्टिविटी एक ट्रांजेक्शन बोला गया है, यानी कि जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज होती है, लाइक जैसे आपकी बिल्डिंग है या फ्लैट्स है, तो उनको आप क्या कर रहे हो, उनको खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो उनको यहां पे ना तो गुड्स का नाम दिया गया है ना सप्लाई का नाम दिया है जीएसटी एक्ट के हिसाब से, तो इसलिए उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब गाइस मैं बात करता हूं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, यानी कि अभी तक आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बनके तैयार नहीं हुई है, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे कि यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यानी कि उन होम्स की मैं बात करता हूं जो हमारे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर आते हैं, तो उस केस के अंदर यहां पे उनको जीएसटी के दायरे में रखा गया है, उनको सप्लाई ऑफ सर्विस का यहां पे नाम दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा जीएसटी हमारा किस चीज के ऊपर लगता है, जहां पे आप गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हो, जहां पे आप सेल ऑफ गुड्स करते हो या सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, तो वहां पे हमारा जीएसटी का जो इंपैक्ट है वो आता है। तो इस केस के अंदर जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है उनको हमारे शेड्यूल 1 और सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर रखा गया है, जिसके बेसिस पे उन पे 8% का जीएसटी रेट लगेगा। अब मैं बात करता हूं गाइस तीसरे पॉइंट की, अगर मेरी कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अगर मैं पहले वाली दो अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ दूं, तो उस केसेस के अंदर यहां पे उनको दायरे में रखा गया है जीएसटी एक्ट के अंदर, से उनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि हमारा शेड्यूल 1 कहता है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, और जिसके अंदर 12% का जो रेट है वो जीएसटी का लगेगा। अब गाइस मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, जो कि कहता है रीसेल अगर आप प्रॉपर्टी की करते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आप उसको रीसेल कर रहे हैं, तो क्या तब भी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो इसका आंसर है नो, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा हमारा, उसको जीएसटी एक्ट के हिसाब से एग्जेम्प्ट रखा गया, या मैं कह सकता हूं जीएसटी की कैटेगरी से उसको बाहर रखा गया। अब गाइस मैं बात करता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मुझसे जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो भी जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता ही होगा कि वो एक जमीन खरीद लेते हैं, एक खाली पड़ा लैंड खरीद लेते हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, राइट? जैसे आपने कोई भी खेती वाला एरिया परचेस कर लिया, कोई भी ग्रीन लैंड आपने परचेस कर लिया, और उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर प्लॉटिंग काटनी स्टार्ट कर दी। मान लो मैंने एक 5000 गज की पट्टी खरीद ली, अब 5000 गज की पट्टी के ऊपर मैंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से मैंने सोसाइटी उसके अंदर छोटी छोटी सोसाइटी या छोटे छोटे प्लॉट काटने स्टार्ट कर दिए, तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? अब इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं, या तो आप उस लैंड को परचेस करके एज इट इज उसको बेच देते हो बिना डेवलप करे, आपने कोई भी लैंड परचेस करा, आपने खाली लैंड परचेस करा और उसको एज इट इज आगे बेच दिया, तो इस केस के अंदर उसको जीएसटी लॉ के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी लॉ कहता है इस केस में कि उसको हम शेड्यूल 3 की कैटेगरी में रखेंगे। शेड्यूल 3 हमारा क्या कहता है जीएसटी लॉ का, कि ना तो उसको जो हमने लैंड है, लैंड को ना तो हमने गुड्स माना गया है ना सर्विस माना गया है। इसका मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से उस लैंड के ऊपर अगर आप लैंड को खाली पड़ी जमीन को सेल परचेस करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं दूसरी बात करूं गाइस, तो इसके अंदर क्या कवर हो जाएगा? जैसे मैंने बताया आपने खाली पट्टी खरीद ली, खाली आपने क्या परचेस करा, एक लैंड परचेस कर लिया और उसके ऊपर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं और उस सोसाइटी को उस एरिया को डेवलप करके दे रहे हैं और आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन बेच देते हो, जैसे कि मैंने बताया अगर आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन बेचते हो तो उस केस में किस में कवर हो जाएगा? ऑब्वियसली जीएसटी लॉ के दायरे में आ जाएगा और आपको उसके ऊपर जीएसटी भी देना पड़ेगा। जीएसटी बेसिकली क्या है, गुड सर्विस टैक्स आखिर होता क्या है गाइस, इसके ऊपर मैंने ये स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। सो गाइस अगर मैं इन जनरल बात करूं, देखा जाए तो हमारा प्रॉपर्टी सेल परचेस को, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो बिजनेस है, उसको जीएसटी के लॉ से बाहर रखा गया है। अगर
अगर हाँ आप इन स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हो, आप कोई भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में डील करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, तो उस केसेस में आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। तो ये आपकी कैटेगरी, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइज ये आपने ध्यान रखना है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।